हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम चल रहे हैं गोवा का नाइट लाइफ देखने और कुछ शॉपिंग करने। चलो चलते हैं। गोवा के रास्ते पे रात में कितनी लाइट्स है और कितनी रौनक लगी हुई है। यहाँ पे आपको हर जगह वाइन शॉप देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लिकर थोड़ा सा सस्ता है। और अभी हम जा रहे हैं टीटोस लेन की तरफ। अगर आपको गोवा पता होगा तो आपको टीटोस लेन के बारे में भी पता होगा। और यहाँ पे आपको हर दूसरी दुकान पे ऐसे टाटू शॉप देखने को मिलेगी, और ऐसे फंकी शूज और ड्रीम कैचर हैंड बैग्स, फ्रीज मैग्नेट और फंकी स्विम वायर्स, ये सब देखने को मिलेगी। हम लोग आके टीटोस लेन पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं हर जगह यहाँ पे टाटू स्टूडियो है। यहाँ पे आप परमानेंट और टेम्प्रेरी दोनों टैटूज बना सकते हो। जो टेम्प्रेरी टैटू होता है वो 7 डेज तक रहता है आपके शरीर पे, और उस पर कुछ सुई वगैरह का यूज़ नहीं होता है। और आप देख सकते हो टीटोस लेन एक्चुअली पार्टी लेन भी बोला जाता है। यहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पे पार्टी करने आते हैं। यहाँ पे सारे क्लब्स हैं। पहले ये देखिए, ये वाला क्लब खुला हुआ है, और दूसरा वाला क्लब ये रहा, ये भी खुला हुआ है। लगता है सारे पब्स यहाँ पे खुले हुए हैं, तो मानसून में आप लोग आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। लोग थोड़े से कम हैं, इसीलिए भीड़ थोड़ा सा कम है, पर सारे दुकान वगैरह खुले हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह आपको हैंड बैग्स, ड्रीम कैचर, टैटू स्टूडियो, फंकी शूज, स्विम वेयर शर्ट्स, बीच वेयर शर्ट्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और लोग आते ही हैं यहाँ पे पार्टी करने के लिए और नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए। हम लोग नहीं गए क्योंकि हमारे पास एक बच्चा है, तो उसको थोड़ा सा लाउड म्यूजिक से प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम लोग बस बाहर से देख लिए कि क्या खुला है और नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं बाघा की तरफ और देखते हैं बाघा में बिस्ट्रो वगैरह लगता है वो सब खुला है कि नहीं, क्योंकि सुबह वाटर स्पोर्ट्स के लिए तो लोगों ने मना किया कि नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रात को खुला है बाघा बीच में। अभी हम आके बाघा बीच में पहुंच चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर। और मैं आपको बता दूं, बाघा और कलंगुट बीच बहुत जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों एक ही बीच सैर करते हैं, तो दूर तक लाइट दिख रही है। इसका मतलब कलंगुट के बीच में भी सारे सैक्स खुले हुए हैं, और समुद्र अभी भी अशांत है और वो आगे तक आया हुआ है, फिर भी सारे सैक्स खुले हुए हैं। आप लोग मानसून में आ रहे हो तो सैक का मज़ा ले सकते हो। और यहाँ पे आपको लिकर भी सर्व किया जाता है, हुक्का भी सर्व किया जाता है, और सारे जो सी फूड होते हैं वो भी आपको मिलते हैं यहाँ पे। ऐसे कैंडल लाइट डिनर हो गया, ऐसे लाइट्स, और बहुत तेज़ म्यूज़िक रहता है यहाँ पे, तो आप प्रॉपर यहाँ पे बीच पार्टी कर सकते हो। तो इसको बिस्ट्रो भी बुलाया जाता है, तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है, तो वाटर स्पोर्ट्स अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि समुद्र अभी बहुत अशांत है। और हम लोगों ने देखो ऐसे लाइट्स भी खरीद लिया है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। आप देख सकते हो टियारा वगैरह बहुत सारी चीज़ें बिक रही है लाइट की। और अगर आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो आप अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड की तरफ आओ, क्योंकि समुद्र उस टाइम बिल्कुल शांत हो गया होगा। अभी समुद्र इतना शांत है, समुद्र में लोगों को अलाउ नहीं है, तभी शुरू होगा अक्टूबर मिड में। अभी हम बाघा से आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए तिब्बतियन मार्केट, जो कि बाघा के पास में ही है। और यहाँ पे आपको वाइड रेंज की वैरायटी मिल जाएगी बैग्स में, जो जूट बैग होते हैं, डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ बैग्स नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे होम डेकोर चीज़ें और ज्वेलरीज वगैरह, और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं। मैं आपको सारी चीज़ें अभी दिखाने वाली हूँ, पहले मैं आपको बैग्स दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सुंदर सुंदर, कितने बड़े बड़े बैग्स हैं। अगर आपको बड़े पसंद नहीं है तो छोटे स्लिंग बैग्स भी है यहाँ पे, और बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज भी है। पहले मैं आपको
बैग्स की रेंज दिखा देती हूँ। ये देखिए, छोटे बड़े क्लच और सारी चीज़ें हैं अवेलेबल यहाँ पे, आप ले सकते हो जो भी चाहिए आपको यहाँ से। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ होम डेकोर। ये देखिए, इसे विंग चार्मिंग बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ईवी लाइट्स की भी है जो आपको अपनी डोर पे लगा सकते हो। जिन लोगों को नज़र लग जाती है डो घर को, तो वो लोग ये घर के बाहर लगा सकते हो अपने डोर पे। और यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज है, जैसे कि ये ब्रेसलेट्स, नेकलेस, और सारी चीज़ें स्टोन की है, कुछ पर्ल की है, कुछ ये सब बोल रहे कि रियल पर्ल है। मुझे नहीं लगता है कि रियल पर्ल है, बट बहुत सुंदर है। इयररिंग्स, एंकलेट, रिंग्स, ब्रेसलेट, आपको हरी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वाइड रेंज वैरायटी मिलेगी आपको, इतनी वैरायटी मिल रही है, देखिए आप कितनी कलर की, कितनी वैरायटी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। मुझे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगा। हाँ, गोवा एक्चुअली एक टूरिस्ट प्लेस है, तो प्राइस थोड़ा सा हाई तो रहेगा ही। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रास की सारी चीज़ें हैं, होम डेकोर जो कि शो पीस बोल सकते हो। यहाँ पे लकड़ी के भी बहुत सारे शो पीस रखे हुए हैं, ये देखिए, जो कि आप घर में अपने जो टीवी स्टैंड वगैरह में रख सकते हो। और यहाँ पे ड्रीम कैचर भी मिल जाएगा आपके हर साइज में, छोटे बड़े हर साइज में आपको मिलेगा, और बहुत सुंदर सुंदर मिलेंगे यहाँ पे। तो ये तो तिब्बतियन मार्केट है जो कि बाघा के पास में ही आपके खरीद सकते हो। और इसके सामने ही हमने काजू लेने के लिए आए थे, काजू के भी यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है क्योंकि काजू का फैक्ट्री गोवा में है। और यहाँ पे सिर्फ काजू नहीं, यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी मिलते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के शरबत मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलते हैं, और तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। काजू के भी बहुत सारे वैरायटी हैं, वो प्राइस के अनुसार उसके काजू आप ले सकते हो। और इसके साथ बहुत तेज़ बारिश भी होना बाहर शुरू हो चुकी है, तो ये देख सकते हो आप ये चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता है बारिश के बाद हम लोग कहीं बाहर और जा पाएंगे, इसीलिए मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू।